Hello everyone, welcome to class number 24 of the chapter Java Programming. Last के class में हमने discuss किया था एक तरह के decision making structure के बारे में या फिर decision making statement के बारे में जिसका नाम है if statement. So आज के class में हम discuss करेंगे और एक तरह के decision making statement के बारे में जिस तरह के statement का नाम है if else statement. So ये if else statement क्या है, इसको हम program में कैसे use कर सकते हैं, इस particular statement को use करके हम program में किस तरह से operation perform कर सकते हैं, उसके बारे में आज के class में हम discuss करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में. ओके, सो इफ स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था, इफ स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट हम वहां पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे कुछ कंडीशन. अगर वो कंडीशन सही होगा तो इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट्स इग्नोर हो जाएंगे कंपाइलर के द्वारा, उसको हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट if else स्टेटमेंट एक इस तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट है, जिस तरह के स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर पहले कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम इफ स्टेटमेंट में करते थे. अगर वो कंडीशन सही है तो जैसे कि इफ स्टेटमेंट में होता था उसके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे. बट अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो तब इफ स्टेटमेंट में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था. बट इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर इफ स्टेटमेंट का कंडीशन फॉल्स होता है तो वो जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा हमारा कंपाइलर. ओके, सो इफ स्टेटमेंट में हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता था जब कंडीशन ट्रू होता था. बट इफ एल्स स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे कब, अगर गिवन कंडीशन ट्रू है, और गिवन कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा. वही लिखा है, इट इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट व्हिच एग्जीक्यूट ए सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. अगर हमने जो इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दिया है वो अगर ट्रू है तो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा. बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो किसको एग्जीक्यूट करने जाएगा, कंपाइलर किसको एग्जीक्यूट करने जाएगा, जो एल्स ब्लॉक के अंदर है उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा. इफ स्टेटमेंट मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो इफ स्टेट मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनको इग्नोर करके. ओके, तो यहाँ पे ये है उसका ब्लॉक डायग्राम या फिर उसका फ्लो डायग्राम हम बोल सकते हैं. जैसे कि टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब हम यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इफ स्टेटमेंट को यूज करके. अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद वो इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा. और अगर इफ स्टेटमेंट का कंडीशन फॉल्स होता है तो वो इफ स्टेटमेंट के जो एल ब्लॉक है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो इग्नोर करेगा और जंप करके कहां पे आ जाएगा, जंप करके आ जाएगा एल्स के बॉडी के पास या फिर एल्स के ब्लॉक के पास, और उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर इफ एल्स स्टेटमेंट के टोटल ब्लॉक के बाहर वो चला आएगा. ओके, सो यहाँ पे सिंटेक्स देखो तो आसान तरीके से समझ आ जाएगा. जैसे कि इफ स्टेटमेंट में हम सिर्फ इतना पार्ट यूज करते थे, इफ एल्स में एक्स्ट्रा एल्स वाला पार्ट ऐड हुआ है. इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते थे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होने से ही इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसको वो एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, और अगर फॉल्स है तो इग्नोर कर देता था, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता था. बट यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इग्नोर करेगा. बट अगर इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन हमने दिया है वो कंडीशन अगर फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो इग्नोर होगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होगा. मतलब हमने यहाँ पे क्या जाना कि अगर इफ स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स इग्नोर होंगे, और अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन हमने प्रोवाइड किया है वो अगर फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, एंड इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, इफ बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो इग्नोर्ड होंगे. ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, वही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है बट इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. सो क्लास डेमो, एक क्लास लिया मैंने, मेन फंक्शन लिया, एक वेरिएबल लिया है एन जिसको मैंने असाइन किया 17, कंडीशन दिया कि इफ एन लेस देन 20, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करो, एन इक्वल्स टू 17 है, 17 लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू, तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक वाला यहाँ पे क्या होगा, इग्नोर्ड होगा, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर. एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा इफ स्टेटमेंट का कंडीशन फॉल्स है.
ओके उसके बाद इफ एल्स के ब्लॉक के टोटल बाहर आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा n इक्वल्स टू 17. सो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 17 इज लेस देन 20, n इक्वल्स टू 17. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे करके देखते हैं, कि ये टोटल प्रोग्राम एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं. ओके तो क्लास मैंने ले लिया है, मेन फंक्शन मैंने ले लिया है, उसके अंदर वेरिएबल लेते हैं n, उसको वैल्यू असाइन करते हैं 17. इफ स्टेटमेंट यूज करके वहां पे कंडीशन प्रोवाइड करते हैं n लेस देन 20. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वहां पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर वहां पे एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड क्या किया है, 17 इज लेस देन 20. ओके ये तो इफ ब्लॉक के अंदर रहा, इफ बॉडी के अंदर रहा. अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक के पास आएगा और एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा. 20 इज लेस देन 17. ओके ये हो गया एल्स ब्लॉक. उसके बाद बाहर आते हैं, नेक्स्ट और एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, system.out.println n equals to plus this is concatenation symbol n. तो यहाँ पे देखो कंडीशन हमने क्या दिया है, n less than 20, n का वैल्यू हमने क्या लिया है 17. ओके तो 17 less than 20 कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू मतलब इफ बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको वो क्या करेगा, इफ बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूट करेगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 17 इज लेस देन 20. और अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एल्स ब्लॉक को क्या करेगा, इग्नोर करेगा. बट अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होता तो वो क्या करता, कंडीशन अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता. बट यहाँ पे कंडीशन जबकि ट्रू है वो इफ बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, एल्स बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर करेगा और इफ एल्स की टोटल बॉडी के बाहर वो जंप करके आ जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, system.out.println n equals to plus n, मतलब वहां पे प्रिंट करेगा n equals to 17. तो यहाँ पे रन करके देखते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट. हम यहाँ पे और एक ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा. कंडीशन 27 मैंने यहाँ पे ले लिया. ओके तो यहाँ पे कंडीशन मैंने प्रोवाइड कर, ये 27 इसको कर लेते हैं 27. ओके तो अभी n के 27 के वैल्यू के लिए कंडीशन को चेक करो, 27 लेस देन 20 कंडीशन इज फॉल्स. तो यहाँ पे इफ बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, जंप करके एल्स ब्लॉक के पास आ जाएगा, एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, 20 इज लेस देन 27. ओके देन फिर इफ एल्स के बाहर आ जाएगा, system.out.println n का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 27. ओके चेक करते हैं रन करके इसको, 20 इज लेस देन 27 दिखा रहा है, n इक्वल्स टू क्या है 27 दिखा रहा है. तो पता चला कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में और कहां पे यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ओके सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.